कर रहे थे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में आ रही है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। लगे कि आप दिल की गहराइयों से जितना राहुल जी से मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी शिद्दत के साथ उनकी जुनून के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। वो शिद्दत जिस शिद्दत के साथ और जिस जुनून के साथ राहुल गांधी से आपकी मोहब्बत है वो आपको देखनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात कांग्रेस के 84वें और राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम महाधिवेशन में आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसकी प्रतीक्षा हम लोग बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। इस ऐतिहासिक लम्हे को ऐसा लगता है कि इसे ठहर जाना चाहिए, इसे रुक जाना चाहिए। ये इस देश के इतिहास का और कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत पल है, अद्भुत लम्हा है। जोरदार तालियों के साथ पूरे ऑडिटोरियम से जोरदार ताली से हमारे वरिष्ठ नेताओं का स्वागत कीजिए। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता और इस देश की महानतम नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के समान सदस्य, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधानमंडल दल के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, विशेष रूप से युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और महिला कांग्रेस तथा अन्य संगठनों के लोग आ चुके हैं। मैं सबसे यह विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। जल्दी से जल्दी सब लोगों से यह विनम्रतापूर्वक आग्रह है, ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ किया जा सके। ये वो लम्हा है जैसा लगता है कि यह लम्हा ठहर जाए। राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला महाधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये 84वां महाधिवेशन है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश और दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति में जिस प्रकार से राहुल जी ने जिम्मेदारी ली है, हम सब के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पल है। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि इसके पश्चात हम राष्ट्रगीत के लिए खड़े होंगे। तो तमाम लोगों से यह आग्रह है कि राष्ट्रगीत के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री पीसी चाको जी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
श्री अजय माकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय राहुल गांधी जी को फूल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। दिल्ली के प्रभारी श्री पीसी चाको जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकर जी, तत्पश्चात मैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरमैया जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का फूल देकर स्वागत करें। इसके पश्चात मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो फूल के माध्यम से आदरणीय मनमोहन सिंह जी का स्वागत करें। इस महाधिवेशन का जो होस्ट स्टेट है वो दिल्ली है। आदरणीय अजय माकर जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और स्वागत समिति के भी अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अतिथियों का और प्रतिनिधियों का स्वागत करें। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण और हमारे देश भर से आए हुए कांग्रेस के तमाम साथीगण, आप सब लोगों का आज इस ऐतिहासिक महाअधिवेशन के अंदर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे देश के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए, और आज मैं आपका जब स्वागत करता हूं तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के इतिहास में एक नए अध्याय का आज हम लोग समावेश करेंगे। एक नए अध्याय को हम कांग्रेस के इतिहास में जोड़ेंगे। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण के अंदर आप लोग सब लोग जो चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं, इस इतिहास की रचना की अपनी आंखों से देखने वाले हैं, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। राहुल जी, अभी जो प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने आपको दिया है, ये प्रतीक चिन्ह अपने आप में एक नायाब है। इसके अंदर लाल किला है, लाल किला के साथ में गौरी शंकर मंदिर 1761 सन का, गुरुद्वारा शीशगंज साहब 1675 का, जामा मस्जिद सन 1650 का और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च 1814 का। राहुल जी, ये शाहजहानाबाद की गंगा जमनी तहजीब संस्कृति का प्रतीक है, जो आज हम लोगों ने देश की सांस्कृतिक धरोहर आपके हाथ में सौंपी है, ताकि आप इसकी सुरक्षा कर सके, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को आप बचा सके। ये ऐतिहासिक क्षण इस प्रतीक चिन्ह के साथ में हमने दिया है। राहुल जी, पिछले एक दशक में आप पिछड़े वर्ग, दलित, अकलियत, युवा, किसान, बेरोजगार की आवाज बन गए। देश भर में दबी हुई आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। चाहे हैदराबाद में रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे सुदूर राजस्थान में जयता मेघवाल का मामला हो, फरीदाबाद हो, सहारनपुर हो, उमा हो, राजकोट हो, उत्पीड़न और दमन के खिलाफ आप सबके आंसू पोंछने के लिए पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए 45 डिग्री के ऊपर सड़क के ऊपर बैठकर के आपने उनकी लड़ाई लड़ी। रघुवीर नगर के अंदर रेड़ी पट्टी वालों के लिए आपने लड़ाई लड़ी। शकूर बस्ती के अंदर गरीब झुग्गी वाले, दिल्ली के अंदर सीलिंग के लिए, और अभी कल ही एसएससी के स्टूडेंट के साथ में आपने कंधे से कंधा मिल करके तो आपने लड़ाई लड़ी है। राहुल जी, आप इन सब की आवाज बन गए हैं और हम सब लोगों को इस बात का लाभ है। राहुल जी, आप देश के युवाओं के नुमाइंदे हैं, सौम्यता के प्रतीक हैं, कांग्रेस के वर्तमान हैं और देश का भविष्य है। हमें आप पर गर्व है। आज साथियों, लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि यह संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम के जैसा ही एक और संघर्ष से हम गुजर रहे हैं। उस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज मीडिया के पैरों पर भेड़िया हैं।
आज न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह है। आज देश में भय और खौफ का माहौल है। इसलिए यह लड़ाई हमने जीतनी ही होगी, इसलिए इस संघर्ष में हमें जीतना ही होगा। इस संघर्ष में विदेश की प्राप्त करने से अगर कोई रोक सकता है तो शायद वो हम लोग खुद हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो हम खुद कांग्रेस के ही लोग हैं, और इसलिए अगर हम लोग एक हैं तो इस लड़ाई को जीतने से हमें कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। हमें एक रहना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। हमें यह सोचना होगा कि ये लड़ाई हमारे पद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे पद की नहीं है। महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी जिन आदर्शों को लेकर के शहीद हुए, उन आदर्शों की यह लड़ाई है जिसको हमको जीतना होगा। हमको ये समझ लेना चाहिए। पंडित नेहरू ने 3,259 दिन अपने जवानी के 9 साल किसी पद के लालच में नहीं, बल्कि अपने आदर्श, कांग्रेस की विचारधारा और देश प्रेम के लिए जेल काटी। हम प्रण करें कि व्यक्तिगत मतभेद को भुलाकर कांग्रेस की विचारधारा एवं आदर्श के इस संघर्ष को हम लोग लड़ करके जीते। राहुल जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली में हम सब लोग अपने अहम को भूलकर कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को जोड़कर हम मिलकर दिल्ली में कांग्रेस का परचम फिर से लहराएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही आपके अध्यक्ष बनने पर तोहफा शायद हर राज्य की कांग्रेस की इकाई आपको देगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पिछले अधिवेशन और इस बार अधिवेशन के बीच में बहुत सारे कांग्रेस जन हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यक्रम और नीतियों तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग जो कांग्रेस के सिपाही थे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि देने हेतु मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और शोक संदेश पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 84वां महाधिवेशन निम्नलिखित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। श्री अंजन दत्ता, पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार से श्री बालेश्वर राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्रीमती किशोरी सिन्हा, पूर्व सांसद, श्रीमती श्यामा सिन्हा, पूर्व सांसद, छत्तीसगढ़ से परसराम भारद्वाज, पूर्व सांसद, श्री झुमकलाल भेड़िया, पूर्व सांसद, दिल्ली से चौधरी प्रेम सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, गुजरात से श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, पूर्व सांसद श्रीमती उर्मिलाबेन पटेल, पूर्व मंत्री श्री इरशाद बेग मिर्जा, पूर्व सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हिमाचल प्रदेश श्री सत महाजन पूर्व अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर श्री एमएल कोतेदार, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद शफी कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री जी आर कार, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चौधरी मोहम्मद असलम, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री जनकराज गुप्ता, पूर्व सांसद, पंडित मंगलराम शर्मा, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, केरला से शुहायब, श्री ए चार्ल्स, श्रीमती नफिसत बेबी, श्रीमती सरस्वती कुंजु कृष्णन, कर्नाटक से पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगरप्पा, श्रीमती चंद्रप्रभा उर्स पूर्व सांसद, श्री एम पी प्रकाश पूर्व उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री ललित जैन पूर्व मंत्री,
महाराष्ट्र से बाला साहब विखे पाटिल पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बालकृष्ण वास्तविक पूर्व सांसद श्री पतंगराव कदम पूर्व मंत्री मणिपुर से श्री एम एगोबी सिंह पूर्व अध्यक्ष श्री रेशम केशिंग पूर्व सांसद मेघालय से श्री पी आर केंडिया पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फ्राइडे लेंडो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा से जानकी वल्लभ पटनाई पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब से बलराम जाखड़ पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार संतोख सिंह रंधावा पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान से भुवनेश्वर चतुर्वेदी पूर्व मंत्री परसराम मदीरणा पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तमिलनाडु डॉक्टर वल्लल पेरुमन पूर्व सांसद और पी शिवशंकर पूर्व सांसद आंध्र प्रदेश से सिक्किम से नर बहादुर भंडारी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से उमाकांत मिश्रा पूर्व सांसद श्री राम नरेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री ब्रह्मदत्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद लक्षद्वीप से एम सईद अली और चंडीगढ़ से श्रीमती श्रेष्ठा मेहता पूर्व अध्यक्ष चंडीगढ़ महिला कांग्रेस। इन साथियों के अलावा जो अन्य साथी इस दौरान हमारे बीच नहीं रहे उन सभी के नाम जो शोक प्रस्ताव आपको वितरित किया है उसमें शामिल है। कुछ साथियों के नाम प्रस्ताव से अगर रह गए हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वो नाम एआईसीसी को भेजने का कष्ट करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संकलित की है और उसका लेखा जोखा आदरणीय अशोक गहलोत जी श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ अशोक गहलोत जी से ये निवेदन करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि आदरणीय राहुल जी को वो रिपोर्ट पेश करें। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं सांसद और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री सुष्मिता देव जी से आग्रह करता हूं कि वह आए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सुष्मिता देव जी। थैंक यू नदीम जावेद जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वेलकम्स द डेलीगेशन from the fraternal political parties to the 84th plenary session of the Congress Party. We recognize with deep thanks the participation of the following parties and their leaders. I take this opportunity to briefly introduce them to all our delegates who have come from different corners of the country. We have amongst us Comrade Joe Maswani, who is a member of the National Executive Council and the African National Congress from the Republic of South Africa, who is amongst us. We have amongst us Dr. Muhammad Abdul Razak, Member of Parliament, former Minister, Leader of the Delegation, who is a member of the Presidium of the Bangladesh Awami League. We thank you, sir, for your presence. We have amongst us Mr. Deepak Kumar Upadhyay, who is representing the leadership of Nepali Congress. We also have amongst us Mr. Surendra Prasad Pandey, leader of the delegation, Communist Party of Nepal, UML. We have amongst us Thalata Atu Korola, leader of the delegation,
Union National Party, Sri Lanka. We have amongst us Comrade Nilete Mondlane, who is a representative of the Frelimo Party, Mozambique. We have amongst us Mr. Majid Al-Fatyani, Secretary of the Revolutionary Council of Fateh Movement from Palestine. We thank you, sir, for your presence. We have amongst us Charles Honoris, who is the leader of the delegation, Indonesian Democratic Party. We also have amongst us Mr. Samuel Afusu Ampofo, who is representing the National Democratic Congress from Ghana. We have amongst us Zhu Yuyu, who is representing the Communist Party of China amongst us. We have en route Mr. Louis Ayala, Secretary General, Socialist International. It is also with great pride that I'd like to announce that messages of solidarity have been received from leaders of fraternal parties from across the world. These messages will be exchanged between our leaders during the bilateral meetings. We acknowledge them with deep gratitude, and I take the liberty to take a few more moments of yours to read this esteemed list. We have received messages from the President of the African National Congress and President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr. Cyril Ramaphosa. We have received a message from the leader of the Bangladeshi Awami League and Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina Ji. We have received a message from President of the Nepali Congress, Shri Sher Bahadur Deoba. We have received a message from the Chairman of the Communist Party of Nepal, UML, Shri KPL Kohli. We have received a message from the President of the Frelimo Party and the President of the Mozambique, His Excellency Felipe Jacinto Nyusi. We have also received a message from the Communist Party of China, from the President Swabu Party of Namibia, and the President of Namibia, His Excellency Hage Gottfried Dingbo. We have also received a message from the Labour Party of the UK. We thank all of you for being present here at a historical moment for India's oldest party. We once again express our deep gratitude. And on that note, I would revert back to what the Indian National Congress stands for. Non-violence is at the core of the Congress politics right from its inception. I dedicate a short film to reiterate our commitment in this historical plenary by the name of Ahimsa. Ahimsa has to be the backbone of the planet. He has a role in saying the world needs to be a peaceful place. So we've been an inspiration for Martin Luther King, and Mr. Mandela told me himself. I was inspired by your country. I was inspired by so many people getting together, standing up as one, and throwing out British. We were an inspiration because people said, look at this complex place. And wow, look at this amazing place that just lives happily, embraces each other and moves on. We don't want to push people around, but nobody's going to push us around either. Currently on the planet, there are two visions. American vision, Chinese vision. I would like people on the planet to say there's a third way to go. Thank you.
Now I request Honorable Congress President to honor some freedom fighters who are amongst us, and I am proud to say that it is their sacrifice and resolve that gave us our freedom. We have amongst us freedom fighters who fought shoulder to shoulder, side by side with Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. I thank them for being present here. Mahatma Ji is 100 years old, but he has come all the way to be amongst us on this historical day when our new Congress President, Rahul Gandhi Ji, will address delegates and workers from across the country. I request Congress President Shri Rahul Gandhi Ji to come on stage and give us his opening remarks. Sir, it's an honor to be led by your vision. मुझे प्लेनरी सेशन में दो भाषण करने हैं, एक इंट्रोडक्शन का भाषण और दूसरा कंक्लूजन का भाषण। कंक्लूजन के भाषण में मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, जो आप कहेंगे उसको सुनकर मैं अपनी आपको पोजीशन और सोच बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी भाषण में मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। आज देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जा रहा है। हमारा काम जोड़ने का काम है। ये जो हाथ का निशान है, यही एक निशान है जो हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, यही एक निशान है जो इस देश को आगे ले जा सकता है। और इस चिन्ह के, इस निशान के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस निशान की जो शक्ति है वो आपके अंदर है। तो अगर देश को जोड़ने का काम करना है, हम सबको मिलकर, आपको मिलकर और देश की जो जनता है उनको मिलकर करना पड़ेगा। ये तो हमारा प्लेनरी है, इसका लक्ष्य देश को और कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाने का है। सामने सोनिया जी बैठी है,
मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे सब सीनियर नेता हैं, चिदम्बरम जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धरमैया जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं और मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी, इस चिन्ह की रक्षा की। अधिवेशन भविष्य की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, मगर हमारे ट्रेडिशन में बदलाव किया जाता है मगर बीते हुए समय को भूला नहीं जाता है। तो युवाओं की बात होती है मगर मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि अगर युवा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे तो जो हमारे एक्सपीरियंस नेता हैं उनके बिना कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा काम सीनियर्स को और युवाओं को जोड़ने का काम है, एक नई दिशा दिखाने का काम है और देश को और देश में जो करोड़ों युवा हैं जो आज थके हुए हैं, जब वो मोदी जी की ओर देखते हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता है, उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि उनको रोजगार कहां से मिलेगा, किसानों को सही दाम कब मिलेगा। तो देश एक प्रकार से थका हुआ है, रास्ता ढूंढ रहा है और मैं दिल से कहता हूं कि देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी रास्ता दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष में क्या फर्क है? एक सबसे बड़ा फर्क है, वो क्रोध का प्रयोग करते हैं, गुस्से का प्रयोग करते हैं, हम प्यार का प्रयोग करते हैं, हम भाईचारे का प्रयोग करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोहराना चाहता हूं कि ये देश हम सब का है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है। और जो भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी वो पूरे देश के लिए करेगी, देश के हर व्यक्ति के लिए करेगी और किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Honorable Congress President, to release a book that has been prepared by the IT Media and Communication Cell of the All India Congress Committee. There is a series of 5 books which contains information relevant to the status of our nation, our economy, etc. Rahul Gandhi! Rahul Gandhi! Thank you, sir. Now we approach a significant moment. And if I may say so, an emotional moment. Shrimati Sonia Gandhi ji, the longest serving president of the Indian National Congress, who has seen us through many a tumultuous times, who has taken us out of many difficult moments. Sonia Gandhi ji ki sadgi, उनकी ताकत, उनके परिश्रम का यह फल है कि देश के हर कोने में
आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का समर्थक है. आई इन्वाइट श्रीमती मीरा कुमार जी टू से अ फ्यू वर्ड्स इन ऑनर ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी. मीरा कुमार